यहाँ पे देखिए टीम नंबर 25 वर्सेस टीम नंबर 7 और ये एक स्क्वाड हाउस में पुश हुआ है कंप्लीट पुश तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर बिकॉज स्क्वाड हाउस बैटल्स आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एक बंदा पूरी तरह से फिनिश कर दिया है कंफर्म कर दिया है अदर प्लेयर्स आर अपस्टेयर्स काम कर रहे हैं देखना यार अभी दिस इज गोना बी लाइक टीम नंबर 7 वर्सेस एक और जो कौन सी टीम है ओके एक और टीम जो है नीचे से आ रही है तो यहां पे सारी टीम्स पास आउट टीम नंबर 15 एक्चुअली चली गई है सो इट्स एक्चुअली टीम नंबर 25 वर्सेस 7 ओनली टीम नंबर 10 पुश कर सकती है दे आर वेरी क्लोज एक्सट्रीमली क्लोज ओके ओनली आई गेस ओनली वन गाय लेफ्ट फॉर नाउ And you know, yes, team number 25 has been completely wiped out by team number 7. So, okay, now team number 10 भी push हो गई है अभी This तो. was when team number 10 had to push. And what a brilliant play. इनको cover भी मिला. Beautiful cover, यार. बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार cover. I believe team number oh my 10 God. has been wiped out completely. Dr. Starrow ने क्या performance दिया वहाँ पे. बस उन लोग ने 3 versus खेला है. नहीं, 2 versus actually. Not 3. It was actually 2 versus 4 situation. Oh my God, dude. एक स्क्वाड वाइप की एंड देन एक और पुश पे उन्होंने नेक्स्ट स्क्वाड को भी वाइप की हाउएवर द थर्ड पुश ओ माय गॉड पुश हो गया इन पे कैन दे मेक इट आउट टीम नंबर 7 हैव टू इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट नाउ बट उनके क्या होगा लेट्स सी वन ऑफ देयर मेंबर्स हैज बीन टेकन डाउन कंप्लीटली टीम नंबर 7 के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये बट टीम नंबर 9 का एक बंदा डाउन है टीम नंबर 9 का एक और बंदा डाउन दैट वाज अ ग्रेट स्प्रे अभी देख रहे हैं कि टीम नंबर 9 का शायद एक ही बंदा बाकी है ही इज डाउन ओवर देयर इनका भी एक बंदा डाउन हो चुका है ओ माय गॉड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल बिकॉज़ इन्होंने 3 स्क्वाड्स को बैक टू बैक निपटाया है डूड कितना टाइम लगा 3 स्क्वाड्स मारने में बता मेरे को 1 मिनट आई गेस नॉट मोर देन दैट 2 मिनट्स लेट्स फिगर इट 2 मिनट्स 2 मिनट्स से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं ओ माय गॉड दिस इज द बेस्ट मोमेंट दिस इज द लेवल आई वाज एक्सपेक्टिंग यस एंड दिस दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जो अब तक हुआ है और अभी तक एक भी बंदा नहीं मरा उन लोगों का चारों जिंदा है दैट्स द बेस्ट पार्ट वाओ दिस वाज अनएक्सपेक्टेड एंड दे सीरियसली डिजर्व अ लॉट क्योंकि टीम नंबर 20 का आएगा एक ही बंदा बचा है हु इज क्लोजिंग इन कुछ भी हो सकता है यू नो पता चला ये अकेला क्लच कर जाए बट यू नो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय टीम नंबर 7 मजा आ गया देख के लो ऑन एचपी अनदर स्क्वाड पुश बाय टीम नंबर 11 वाओ दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग वन मैन इज डाउन ऑलरेडी ऑफ टीम नंबर 11 ओ माय गॉड ओके Can they make it out? Team number 7 for the win. Oh, the second guy is knocked down. Only yes, one it's one remaining. Oh my. No, this time. No. It's still remaining. Yeah, it's wiped out. Team number 11 has been taken down completely. Oh my God. I'm fan of this team. ये टीम का नाम क्या है कोई मेरे को बताएगा प्लीज डॉक्टर स्टैरो यू विल बी रिमेंबर्ड बड़ी यप डूड सीरियसली बहुत बढ़िया 8 बिट का एक बंदा कंप्लीटली ओके उधर टीम नंबर 7 पे पुश हो चुका है यस इट्स अ पुश ऑन टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 7 के बंदे नीचे कूद कूद के मार रहे हैं दो बंदा नॉक नहीं इस बार तो मुश्किल लग रहा है इट्स गोना बी 2 वर्सेस 1 अलोन डॉक्टर स्टैरो इज द ओनली वन रिमेनिंग ओवर हियर दिस इज गोना बी रिस्की इतना तो यार क्या खेला है अनबिलीवेबल टीम नंबर 7 डॉक्टर स्टैरो यू आर द मैन बड़ी क्या खेला है आपने डॉक्टर स्टैरो मजा आ गया देख के 5 स्क्वाड्स आपने निपटाई है यहाँ पे टोटल 5 स्क्वाड्स एंड 1 गाय या इट्स एक्चुअली 5 स्क्वाड्स एंड 1 गाय वो जो ऊपर मारा था ना ऊपर अभी मारा था टीम नंबर 20 का राइट सो इट्स 5 स्क्वाड्स एंड 1 गाय क्या होगा इन लोग के बीच में होगा क्या ब्रो होगा फाइट और वो भी ऐसी वैसी नहीं होगी तगड़ी वाली फाइट और ऐसी फाइट जो हमको देख के आ जाएगा मजा ओके तो टीम नंबर 20 का एक बंदा जो है टोटली फिनिश कर दिया है सेकंड बंदा बहुत लो है जो है मॉर्टल है ही इज जस्ट लाइक 1 एचपी इफ आई एम नॉट रॉन्ग और यहां पे जो है तीसरा बंदा भी नॉक हो चुका है इट्स जस्ट 1 गाय लेफ्ट फॉर नाउ ही टुक आउट 1 गाय कैन ही क्लच दिस वाइपर कैन यू क्लच इट क्या वाइपर क्लच लगा पाएगा क्या लगता है गाइस आप लोगों को कि वाइपर क्लच लगा पाएगा कि नहीं शायद सर लगा नहीं इट्स 1v1 फॉर नाउ वाइपर ने लगा दिया गाइस गाड़ी को चौथे क्लच में बहुत ही अच्छा चौथे गियर में सर क्लच पे कहां पहुंच गए तुम चार क्लच नहीं होते ऑन द स्पॉट क्लच कर दिया गाइस बहुत ही
बहुत ही खतरनाक क्लच. ओके सो इट्स गोना बी अ स्वैट वर्सेस हेटर्स. अभी हेटर्स जो है अभी एक स्क्वाड वाइप करके आई है. अब देखना है कि क्या वो सेकंड स्क्वाड वाइप कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हेटर्स के पास जो लूट है ना, इट्स अनबिलीवेबल. दो ड्रॉप्स की लूट है. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया लूट है अभी फिलहाल उनके पास. एंड स्वॉट वाले यहां पे टीपीपी ले रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट. उनका आई गेस पता है नीचे ही रिज पे बैठा हुआ है. आई एम प्रीटी श्योर उनका पता है. इन लोग के दो और बंदे कहां पे हैं यार? इन लोग के मेरे को दो ही बंदे. अच्छा, उन लोग थोड़ा लेफ्ट में. चलो नेवर माइंड, एक ही है. नहीं नहीं, पूरी स्क्वाड है. पूरी स्क्वाड है इनकी. वो लोग लेफ्ट में बाना उसके यहां पे रुके हुए हैं. एंड आई गेस दे आर गोना. ओके, 8 बिट है इन लोग के सामने. 8 बिट देयर इज वन ग्रेनेड. कैन दे मेक इट? नॉक. नहीं, ये नीचे गिर गया. ये नीचे गिर गया यार. दोनों टीम्स का पर्सपेक्टिव मिल रहा है हम लोग को, दोनों टीम के प्लेयर्स का. एंड ये काफी अच्छी चीज लगी है. दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. दोनों का पर्सपेक्टिव देखने मिल रहा है हम लोग को. अब देखना है यार क्या टीम नंबर 10 जो है मैनेज कर पाएगी टीम नंबर 24 को टेक आउट करने के लिए. अब यही तो, अभी मतलब बात तो यही है. विमल भाई हमारे लाइक 1v1 सिचुएशन में मतलब इजीली आराम से काट दिया उसने. कर लिया. SMG है इनके पास एंड सामने AUG है. तो यू नो बहुत मजा आने वाला है. बट विमल कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हैं एंड उन्होंने सीधे एंटर कर लिया इनका घर. वाओ, ही हैज बीन टेकन डाउन. एंड अनफॉर्चूनेटली उनका और एक टीममेट, ओ दे डिड मैनेज टू टेक वन ऑफ हिज ओपोनेंट्स डाउन और उनको फिनिश भी कर दिया उन्होंने. बिल्कुल ही. एंड एक ही बंदा, नहीं नहीं, एक बंदा बाकी है. One versus one right now. It's gonna be 1v1 for now. Haters can he make it? Show. Versus SWAT. SWAT. भाई 10 HP में full clutch कर दिया. That was a really great. अरे लूट रहा है ये जाके. Okay, reviving. यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आए हैं just. So you know XG squad अब सिर्फ wait कर रही है कि कब हम spot करें सबसे पहले enemies को, so that we can make our next move. तो जैसे ही enemies spot करेंगे XG वाले they'll make their next move, probably flanking or anything जैसा भी हो. तो team number 17 का ये जो बंदा है, he has this chance to take down two people at a time. ये नेड जाएगा कि नहीं? नेड गया, नेड गया. एक दो डाउन है. ओ भाई, एक ही नेड से दो डाउन हो चुके हैं. बहुत ही, अगर ये रश करता है तो इन दोनों को ये खत्म कर देगा. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इस टीम के लिए. आई थिंक ये खत्म करेगा. अभी ये देखना चाहेगा कि वो उसको रिवाइव देने वाला है कि नहीं. बहुत ही बढ़िया मूव बाय नंबर 17 एंड देयर यू गो. और एक और डाउन. 1v1 सिचुएशन है गाइस. आई थिंक ये क्लच कर जाएगा. बिट्टू की भी पोजीशन, इसको आईडिया है. गन ग्लिच कर गई. बिट्टू की पोजीशन भी पता है इसको. टाइम नहीं लेगा, रश करेगा प्री फायर के साथ. और चार बंदे अकेले. और वो जो छत पे आया है ना भाई, इसने क्या लिया है भाई? वो जो छत पे आके जो मारा ना, जो एंगल उसने बनाया, वो अलग ही लेजेंडरी था यार. मजा आ गया. लाइक करना क्या है, LOL के दो बंदे नॉक हो चुके हैं, शायद से तीन बंदे नॉक हो चुके हैं. इट्स ओनली वन गाय LI ऑफ LOL. दोनों तरफ से शॉट्स पड़ रहे हैं LOL लोकी को. क्या वो KHF को निकाल पाएगा? अगर वो KHF को निकाल पाए तो इसके लिए मतलब लाइक एक ये बन जाएगी. और 1 HP थी और KHF ने आराम से खत्म किया. KH मैक्स को रिवाइव नहीं दे पाएंगे, उससे पहले टीम वाइप हो गई. भाई क्या कर रहे हो? हमारे अग्नि वाले अभी रिवाइव नहीं किए, राइट? अग्नि वालों ने अभी धावा नहीं बोला. आई थिंक ये वेट कर रहे हैं. नॉट रूट गाय को अग्नि ने ले लिया. पीछे से फायर हिमांशु को पड़ी है. फायर वाले बंदों को यहाँ पे आई थिंक खत्म करेंगे. ये इनको थर्ड पार्टी नहीं करने देंगे. देखना है एक बंदा और है, वो है किस जगह. और बहुत ही अच्छा स्प्रे ऑल्टेयर का, बहुत ही अच्छा स्प्रे. IGC के बंदे बहुत अच्छा खेल रहे हैं. और ये DP पे 4S का स्प्रे, बहुत ही अच्छा स्प्रे गाइस, 11 किल्स के साथ. बॉट्स की टीम अगर जगदीप सर बचे हैं. ओके, जगदीप सर मार रहे थे. फाइनली शॉट्स लिया. आई डोंट थिंक इनको जरूरत थी. अब इनकी पोजीशन पता है अग्नि को. अब ये दिक्कत की बात हो सकती है जगदीप सर के लिए. 8 तक आ ही गए थे. अब देखते हैं यार क्या पता. अभी अग्नि सर्वाइव, मतलब क्या लगता है अग्नि के लग गए हैं IGC के बंदो. अग्नि ने आई थिंक पहले इनको रश ना करके घर से बड़ी गलती की. अब तो IGC के पास बहुत अच्छा हिल एडवांटेज है. अग्नि के दो बंदे डाउन हो चुके हैं. सैड लाइफ फॉर अग्नि. IGC एकदम यू नो OP एकदम रेडी है. हमारी IGC के बंदे आज पूरा वाइप आउट कर दिया यार. मानना पड़ेगा IGC के गेम प्ले क्या खेलते हैं यार. जगदीप सर का डैमेज बहुत ही ज्यादा हो रहा है. सर्कल को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं? ओके, कर लिया. और वापस सर्कल में अब खाता. IGC के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है. रिच का एडवांटेज. 16 किल्स हो चुके हैं. 16 किल्स हो चुके हैं. बहुत सब 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 के सब इसको सामने दिख रहे हैं.
बहुत अच्छा हिल एडवांटेज है आईजीसी के पास, बहुत full, ही अच्छा फुल डोमिनेशन ब्रो, फुल। और इसी के साथ अग्नि पूरी खत्म, 18 किल्स हो गए आईजीसी के पास, बहुत ही अच्छा गेम प्ले। आई लव यू आईजीसी। तो अभी ये रश निकल रहे हैं, एक और नेट है ऊपर, और मेरे को लग रहा है कि इनका स्ट्रेटजी ये है कि एक बंदा पहले हम नॉक करें उसके बाद ही हम जाएं। देख लिया भाई एक बंदा नीचे, ओ तीन लोग, क्या ओ भाई डोमिनेट डोमिनेट डोमिनेट, ओ कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब एमके वाले तो भाई पूरा स्क्वाड वाइप आउट कर दिया, वाइप आउट कर दिया। जी जी नो, एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा उसको, वो स्पॉट ही नहीं हुआ था, वो स्पॉट ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर बाद में उसको मार दिया। और यहां पे लड़ाई हो चुकी है टीम नंबर 15 की, टीम नंबर 15 ने जी जी भाई, बट वो बंदे का थोड़ा सा बॉडी जो है वो दीवार के आर पार दिख रहा होगा। और ओ भाई क्या मार रहा है स्प्रे, और ये हाइफन का बंदा है। तो भाई ये लोग बढ़िया खेले, बहुत अच्छा ट्राई था यार उसका, अगर वो टीममेट थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर देता उस टाइम तो मार देता उसको। जो हाइफन का बंदा था यार उसने मतलब दो बंदे ऐसे मारे ना यार, मतलब मजा ही आ गया। लेकिन यार ये जो है बचा गया अपने टीम को, टीम नंबर 24 का बंदा। अभी देखते हैं यार यहाँ पे क्या होने वाला है, सैंडविच सिचुएशन है बहुत सारी टीम के लिए, और यहाँ पे चोरी कर रहा है भाई, भाई 13 किल इस टीम के भाई, बी आई ए की ताकि एक ही बारी में इक्वल हो जाए। याद रखिएगा 2000 जाते हैं वीर को गिराया रिवेंजर्स एस ने, और रिवेंजर्स ने काफी काफी हिट खाई, लेकिन अब टीएस और रिवेंजर्स की टीम में यहाँ पर कुछ हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हुए रिवेंजर्स एस, जिनके भी काफी कम है, और यहाँ पर रिवेंजर्स एस को नॉकआउट करा टीएस लाइन ने। रिवेंजर्स के ने टीएस लाइन को गिराया है, यहाँ पे एक एक दोनों के नीचे है, और यहाँ पे रिवेंजर्स के को भी मारा, टीएस की टीम हावी होते हुए। रिवेंजर्स के अभी भी दो प्लेयर है बाकी, एक को खत्म करा रिवेंजर्स एस, पूरा खत्म हुआ रिवेंजर्स के, वो भी बाहर खतरे में लेटा हुआ, और यहाँ पर रिवेंजर्स डी एस के डी, और यहाँ पर टीएस अलाइन को पूरा खत्म करा, और यहाँ पर रिवेंजर्स के को रिवाइव फिर हिट्स हुए, और ये रिवेंजर के को देखा युद्धवीर ने, हिट्स दी लेकिन बच गया, और ये टीएस का और युद्धवीर पूरा खत्म हुआ। यहाँ पर टीएस की पूरी टीम को एलिमिनेट करा रिवेंजर्स ने, और इसी के साथ माई बेट इज